टेलीविजन के नन्हे सुपरस्टार तपस्या और जग्या की माँ ने बदले घर। I'll miss you all। देखिए झलक नन्हे सितारों के असली किरदारों की। I feel I'm prisoner in a house, yeah। इतना क्या पैंपर करके रखा है आपने। सिखा कि आप अगर एक्टर नहीं बन पाते हो तब क्या करोगे। स्टडी में परफेक्ट नहीं है। आप सोचो मैं 3 दिन में घर को बर्बाद कर दूंगी तो मैं नहीं करने दूंगा। लेकिन जैसे प्रॉब्लम है इस घर में मेरे को डर लग रहा है। इन्हें तो आपने पहचान ही लिया होगा, जग्या, जिनका असली नाम है अविनाश मुखर्जी। छोटे जग्या अपने सीरियल में बड़े जग्या में तब्दील हो चुके हैं, इसलिए इनको सीरियल से ही दूर का रास्ता नापना पड़ा। जग्या एक अनोखी जॉइंट फैमिली से संबंध रखते हैं। इनकी माँ कविता मुखर्जी पेशे से शिक्षक हैं और पिता देवाशीष एक कंपनी में मैनेजर हैं। जग्या के परिवार का उनके चाचा चाची के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, इसीलिए इस घर में हर एक चीज ना सिर्फ अलग अलग है बल्कि किचन में अपने लिए खाना बनाने का समय भी दोनों परिवारों ने अलग अलग तय किया है। आपके चिल्लाने की वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो बातें करना है, चिल्लाना है, रूम में दरवाजा बंद करके तब चिल्लाइए। देवाशीष इस भ्रम में जी रहे हैं कि जग्या पैदा ही हुआ है सिर्फ और सिर्फ सुपरस्टार बनने के लिए। सूरज की रोशनी कभी छुपती नहीं है, अपने आप ऊपर निकल के आ जाता है और सबको रोशनी देता है, तो मेरा बेटा सूरज है। और इसी भ्रम की पट्टी को इन्होंने जग्या की आंखों पर भी बांध रखा है। यही वजह है कि जग्या पढ़ने में बेहद कमजोर है। देवाशीष ना सिर्फ जग्या से जुड़े बल्कि घर के भी सारे फैसले लेते हैं, या यूं कहें इस घर में सिर्फ इन्हीं की चलती है। मिलिए छोटी तपस्या से, जिनका असली नाम है इशिता पंचाल। लेकिन सीरियल की छोटी तपस्या अब बड़ी हो चुकी है, इसलिए इन्हें सीरियल से बाहर का रास्ता देखना पड़ा और फिलहाल इनके पास कोई काम नहीं है। छोटी तपस्या को इतने लाड प्यार से पाला गया है कि शायद इसी का नतीजा है कि ये ना सिर्फ से चढ़ी हैं, बल्कि आज भी रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क नहीं कर पाती हैं और पर्दे की जिंदगी घर में भी जीती हैं। इनके परिवार में हैं माँ प्रीति पांचाल और पिता दिलीप पांचाल, दोनों पेशे से डॉक्टर हैं और खुद का हॉस्पिटल चलाते हैं। तपस्या के पिता की इस घर में पत्नी और बेटी के आगे एक नहीं चलती। गुड गुड गुड, कम ऑन, यस। देखो अभी एक झटके में बड़े प्यार। अपने पिता के लिए तपस्या के दिल में भी कोई खास आदर या सम्मान नहीं है, यहाँ तक कि सुबह की बेड्टी भी उन्हें खुद ही बनानी पड़ती है। इस घर में सारे फैसले तपस्या की माँ ही लेती हैं। शायद इसीलिए उनके आगे वो बेबस और लाचार नजर आते हैं। अगर वो घोड़े की जैसा ऐसा ही लगा के रखो, नहीं मैं जो चीज करती हूँ वही सही है, इट्स नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन देम, लेट इट बी माय वाइफ। कहा जाता है कि माँ बनकर जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात होती है, और कहीं अगर गलती से आपके बच्चे सेलिब्रिटी हों तो ये जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। देखते हैं अपने घर पर अपनी चलाने वाली तपस्या की माँ नए घर में जग्या के पिता की बादशाहत मानती हैं या कर देती हैं बगावत। और क्या जग्या की माँ के लिए सिर चढ़ी तपस्या को संभालना आसान होगा या वो खो देंगी अपना सब्र? क्या होगा जब इनमें होगा माँ एक्सचेंज? जग्या की माँ को अपने नए घर में पहले 4 दिन तपस्या की माँ प्रीति के नियमों के हिसाब से रहना पड़ेगा और उसके बाद अगले 4 दिन इस घर और घर वालों पर लागू होंगे जग्या की माँ के नए नियम। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड? अरे इशिता, मैं इशिता के घर में हूँ। अरे इनको तो मैं जानती हूँ, तो मुझे तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए रहने में। टेलीविजन फ्रेटर्निटी का कोई चाइल्ड आर्टिस्ट है, ये अविनाश का घर है। चलो कम से कम जानती तो हूँ। इसमें भी हल्दी, नमक, यहाँ पे भी पता नहीं दो सब चीज़ें क्यों रखी हैं उन्होंने। 2 फ्रिज, 2 जगह पे अंडे, हर चीज़ दो क्यों है इसके घर में, पता नहीं रात को उठ के खाने की आदत हो सकती है। टीवी का शायद बहुत शौक होगा, इसलिए ड्राइंग रूम में भी बड़ा टीवी, बेडरूम में भी बड़ा टीवी, इतनी सारी गेम्स हैं। पता नहीं अविनाश दिन भर खेलता ही रहता है, पढ़ता भी है। चलिए देखते हैं कि रूल बुक पढ़ने के बाद क्या इनकी खुशी बरकरार रह पाएगी। मेरे घर में मेनली 3 लोग रहते हैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। हमारे साथ एक और फैमिली रहती है जिसमें मेरे ब्रदर इन लॉ
उनकी वाइफ और उनकी बेटी रहती है। मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे जेठ जेठानी और उनकी बेटी से ज़्यादा बातचीत ना करें। ओके, आप पता चला कि उनके घर में हर चीज़ दो दो क्यों है? मेरे हस्बैंड सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, फिर वो मेरी बेटी इशिता को स्कूल के लिए उठाते हैं। अच्छा, मतलब माँ नहीं उठती है? वेरी गुड वेरी गुड। देवाशीष को बेटी पीने की आदत है, इसलिए बिना बोले मैं उनको 7 बजे बेटी देती हूँ। वेरी बैड। इशिता एक बहुत ही सेंसिटिव लड़की है, वो बहुत मूडी है। जब भी इशिता उदास होती है तो वो अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठकर रोती है। इशिता एक बहुत सेंसिटिव बच्ची है, ये 5th time है जो मैंने पढ़ा है, सेंसिटिव बच्ची है, सेंसिटिव बच्ची। आई एम पिस्ड ऑफ ऑफ दिस लाइन। अविनाश की पॉपुलैरिटी की वजह से हम तीनों किसी आम जगह पर घूमने नहीं जा पाते। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हो रही हूँ। अगर मुझे कुछ चेंज करना हो तो मैं अपने हस्बैंड को थोड़ा और कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट बनाऊंगी, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स और ज़िंदगी में खुद फैसले ले सके। और अब जिनके बारे में इतनी चर्चा हो रही है, मिलते हैं उन दोनों बाल कलाकारों से। हेलो, हेलो, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ये दीजिए। थैंक यू। ये मेरी भाभी हैं। हेलो, ये रिचा है। पर नाम से अच्छा। अरे अरे अरे, बड़ी खुशी है आपसे मिलकर। मुझे भी। हमें चाय पीनी है, हम घूम बाहर से आए हैं, बहुत थके हैं। चलो आज हम हेल्प करने। I'll show you. Oh, you want to show me? हाँ, come. हेलो, पहचाना? हाँ, कौन? यू आर अविनाश्स मदर। यस। हेलो, आई एम दिलीप पंचाल। माय नेम इज कविता, आई एम अविनाश्स मॉम। मेरा नाम देव मुखर्जी है, आपका नाम क्या है प्लीज आप बताएंगे? हाँ जी, एक्सक्यूज मी, चाय बनाने में इतना मगनून हो गई हूँ आप, तो आप मेरी बात ही नहीं सुन रही हैं। ओह, आई थिंक ही इज टॉकिंग मी। कविता, अब तक तो मैं 3 कप चाय बना लेता कप का। ठीक है, रिलैक्स। थैंक यू। पहले मैं खाना बना लूँ अपना। हाँ। मैं बना के निकल जाऊँ तो आप जाना, आप बना के निकल जाओगे तो मैं जाऊंगी। ये घर में आने के बाद मैंने ये सीखा, एक घर में एक दूसरा घर एग्जिस्ट होता है तो कैसा होता है, क्योंकि मैंने इसके पहले कभी एक घर के अंदर एक घर नहीं देखा था।